और कितने सालों से ये आश्रम चल रहा है, लोगों को यहाँ पर क्यों आना चाहिए, उनको क्या मिलता है यहाँ पर आकर, ऐसा क्या आपके पास है कि लोग यहाँ पर आते हैं और आप उनको देते हो? अच्छी अच्छी लड़कियों को वो बनाना, शाखाएँ बनाना, उनसे नाच कूद करवाना, जैसे राजा महाराजाओं के दरवाजे में पहले रंडियाँ नचती थी, मेड़ी नचती थी। ये आपने देखा होगा कि एक बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है ये, मतलब कि पर्चा बना देते हैं, बागेश्वर धाम आपने सुना होगा, सब उनके एजेंट हैं। अच्छा समागणी दोस्तों, अभी मैं धौलपुर में कबीर आश्रम के अंदर आया हुआ हूँ और पीछे मेरे देख सकते हो एक कबीर आश्रम है और यहाँ के जो संस्थापक हैं, मुख्य संस्थापक हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। कुछ सवाल हैं मेरे और आपके भी कुछ सवाल होंगे जो मैं उनसे पूछूँगा और उनके जो मतलब प्रवचन हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, किस तरीके के उनके प्रवचन होते हैं और किस तरीके का उनके सत्संग होता है उसके बारे में भी बताऊँगा। कुछ लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आज के ज़माने में आपने देखा होगा काफ़ी ढोंगी बाबा चल रहे हैं, आपने अभी हाथरस वाला कांड सुना होगा और भी कई सारे ऐसे कांड हैं, अभी राम रहीम वाला, अभी उसको तो काफ़ी पुराना टाइम हो गया, पर लेकिन ऐसे अनेकों ढोंगी बाबाएँ हैं तो मैं चाहता हूँ कि उनके बारे में आपको पता लगे, आप गलत रास्ते पर ना चले, ऐसे ढोंगी बाबाओं से बच के रहें, इसीलिए मैं यहाँ पर आया और मैंने सोचा कि इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करके देखते हैं कि कैसा लगता है हमें और जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब जो हैं ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे और लोगों को क्यों यहाँ पर आना चाहिए, जो धौलपुर के निवासी हैं उनको यहाँ पर क्यों जुड़ना चाहिए, ये सबसे एक मुख्य सवाल है। इन्हीं के पास क्यों आना चाहिए, ये सबसे एक मुख्य सवाल है कि क्यों लोग यहाँ पर आएँ, ऐसा क्या मिलता है यहाँ पर लोगों को आकर जो कि यहाँ पर लोग आना पसंद करते हैं, ये मेरे सवाल हैं। और थोड़ी देर में अभी वो भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने के बाद फिर उनसे हम बातचीत करेंगे और पूरा आश्रम भी घूम के दिखाऊंगा आपको और कितने लोग हैं, कितने साधु संत हैं इस आश्रम के अंदर, कितनी साध्वियाँ हैं इस आश्रम के अंदर, सारी बातचीत करूंगा। और आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो आजकल के जो पाखंडी बाबाएँ हैं उनके बारे में, या फिर मुझे नहीं पता ये किस तरीके के बाबाएँ हैं, मैं तो अभी बातचीत करूँगा, इनका बैकग्राउंड कैसा है, कहाँ से ये आए हैं और इनकी जो शादीशुदा लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रही है, सारी चीज़ें बात करेंगे, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें मैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं भारत के ऐसे ऐसी जगहों पर जाता हूँ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वहाँ पर जाकर वहाँ के जो मुख्य धाम होते हैं, जो वहाँ के मुख्य मंदिर होते हैं, जो वहाँ की अनोखी चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो शायद ही आज से पहले आपने कभी सुनी होंगी, आज से पहले कभी आपने देखी होंगी। और मैंने भी ये सारी चीज़ें पहले ही देखता हूँ मैं भी, पर मुझे ये सब चीज़ों को देखने में, इनके बारे में रिसर्च करने में और इनके बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी जो नॉलेज है वो आप तक भी पहुँचे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और बताना कि आपको ये कबीर साहिब जी कैसे लगे। आपका शुभ नाम क्या है? सरजू दास। तो इनके साथ हम नीचे जाने वाले हैं और ये पूरा आश्रम मुझे दिखाने वाले हैं और चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं नीचे और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। वैसे तो यहाँ पर अभी अंधेरा काफ़ी हो रहा है, आप देख सकते हो, लाइट जलानी पड़ेगी मुझे। ये देखिए, ये देख सकते हो आप, तो लाइट जलाते हो, ये देख सकते हो। मैं इस पर किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं, अब आप क्या सोचते हो ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे, आप किस तरीके के विचार रखते हो यहाँ जो कबीर आश्रम में जो साधु संत हैं उनके बारे में, किस तरीके की भावनाएँ रखते हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप धौलपुर से हो तो एक बार विजिट जरूर करना यहाँ पर, एक बार जरूर आना और साधु संत से मिलना, क्योंकि साधु संतों का आशीर्वाद ही आपको सतमार्ग पर ले जा सकता है, आपका कल्याण कर सकता है। और ये देख सकते हो पूरा का पूरा, यही है बस, और अच्छा एक ही है, ये तो बंद किया हुआ है ना? हाँ बंद। इस तरीके के कमरे हैं यहाँ पर जो कबीर आश्रम है उनका और ये इनकी छत है और ये आसपास का वातावरण ये देख सकते हो। और चलिए नीचे चलते हैं और थोड़े से और भी संत उनसे भी बातचीत करते हैं। जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो साधु संत यहाँ पर रहते हैं, उनके लिए यहाँ पर खाना बनाया जाता है, ये देख सकते हो, ये रसोई है।
और यहाँ पर ज्यादातर मैसेज पूरे दिन खाना मतलब जैसे 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 7 दिन बनता है? नहीं, सुबह संध्या 7 दिन बनता है। 7 दिन बनता है। और खाने में ज्यादातर क्या होता है? सब्जी दाल। अच्छा। और टिक्कर या इतवार को पूरी वगैरह। पूरी वगैरह। कोई भक्त आते हैं तो वो पूरा भी खीर पूरा करते हैं। अच्छा। अब आइए इस तरह देखिए। मैंने आपको पूरी की पूरी आश्रम की एक एक चीज दिखाई है। आप जैसे कई आश्रमों में गए होंगे तो जो साधु संत होते हैं वहाँ के, वो कई चीज़ों को छुपाते हैं, आपने देखा होगा, कुछ चीज़ें नहीं दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें मुझे दिखाई हैं, एक एक जगह दिखाई है इन्होंने, जो इनके कमरे हैं वो भी दिखाई हैं। अच्छा, इनमें महात्मा सोते हैं, इनमें रखे हुए देखिए, यही है। चलिए ऊपर और ये वाला देखते हैं, ऊपर का हिस्सा। चलिए, ये आसन है संतों संतों के, यहाँ पर संत सोते हैं देख सकते हैं, और ये जो श्रद्धालु आते हैं उनको भोजन दिया जा रहा है। किरण, ओ किरण, किरण क्या खोलिए ना का? ये है साधु। क्या नाम है आपका वैसे? मेरा नाम किरण साध्वी। किरण साध्वी, आप कितने सालों से यहाँ पर जुड़े हुए हो इस आश्रम से? मेरे को अपने मम्मी पापा के घर पे से हमसे सुनने के लिए आते थे यहाँ पर। अच्छा। मेरे को इस आश्रम में 4-5 साल। अच्छा, 4-5 साल हो गए। और कितने उम्र से आप यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिया था, अपने इस आश्रम से जुड़ गए थे, कितने वर्ष के थे तब आप? 6-7 साल। तब से आपने भक्ति में आपका मन लग गया और आपने यहाँ पर आने लगा, तो अब आप यहीं पर रहते हो, आप घर भी नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल नहीं जाते, मतलब थोड़ा सा साल में 1-2 बार भी जब माता पिता से बातचीत होती है कभी यहीं पर जाते हैं, घूम जाते हैं। और कभी ऐसा मन करता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए? मेरा मन नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, कि यहीं पर संतों के साथ प्रयत्न करते हैं और आराम से यहीं पर रहते हैं, सत्संग करते हैं। पढ़ने जाते हो या फिर यहीं पर? कौन सी? संगीत की पढ़ाई चल रही है, वीणा वादन की, मतलब जो संगीत जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बजाने की पढ़ाई कर रहे हो आप। आप ये देख सकते हो, साधु जी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर एक साध्वी भी है जो बचपन से जुड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी आपको बता दिया जाए, जब भी अभी आपने मैंने बातचीत। आपका नाम क्या वैसे? मेरा नाम किरण साध्वी। करण साध्वी, मतलब जो मतलब माता पिता ने रखा था वो नाम? मेरा नाम यही है। यही है करण। मेरा नाम गुरुजी ने चेंज नहीं किया, मेरा नाम अच्छा लगा तो उन्होंने चेंज नहीं किया। चलो, और ये आप यहाँ पर आप अकेले रहते हैं कि इस रूम में और भी आते हैं साधु संत, मतलब प्रॉपरली आपका ही रूम है ये, इसमें कोई शेयर नहीं करता? ये देख सकते हैं इस तरीके का इनका रूम है। तो आपको यहाँ पर अच्छा लगता है रहने में? कोई प्रॉब्लम किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं काफ़ी अच्छा? चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा टाइम देने के लिए। और जो अभी आप अपनी स्क्रीन के सामने देख रहे हो, ये कबीर आश्रम के मुख्य संस्थापक है, और इनसे बातचीत करेंगे और सारी चीज़ें जानेंगे, जो मेरे सवाल हैं, जो आपके सवाल हैं, जो आपके मन में उठते हैं कि आपके इस इलाके में एक आश्रम है उसके बारे में आप नहीं जानते हो, और आपको कई सारे सवाल भी होंगे आज की इस पाखंड की दुनिया में कि क्या ये सही है या गलत है। अब मैं उनसे कुछ चीज़ बातचीत करते हैं, और कुछ सवाल हैं जो मेरे मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, उनसे बातचीत करेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। तो पहले अपना आप शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अमृतदास है। और आपके अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए, आप कहाँ से हो, कैसे हो? मेरा नाम अमृतदास है और मेरी पैतृक जन्मभूमि है वो ग्राम दूरा धौलपुर जिला में पड़ती है, यहाँ कबीर आश्रम से करीब 12 किलोमीटर दूरी पर है, 11-12 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ मैं किसान परिवार में था, वैवाहिक जीवन किसान खेती करते थे, शादी ब्याह भी हो गई, बच्चे भी हैं, पत्नी वतनी है, वो सब अपना अपना काम संभाल रहे हैं। आपने पूरा वैवाहिक जीवन त्याग दिया है और आप यहाँ पर आ गए हो और अपना सत्संग करते हो और भगवान की भक्ति में लीन हो और लोगों को प्रवचन देते हो, ज्ञान देते हो। और कितने सालों से ये आश्रम चल रहा है? ये आश्रम चल रहा है वैसे मुझको साधु जीवन में तो हो गई करीब 29-30 साल हो गई, 29 तो हो ही गई, क्योंकि 95 से मैं साधु जीवन में आया, 1995 से। तो यहाँ जी 2000
एक में लोटे लोटे ले लिए थे। अच्छा। राम बाबू सीट में भी वाले थे, उन्होंने वो सीट दान दिया था। अच्छा। लोगों ने पैसा किए थे। अच्छा। और एक लोट लिए थे 2002 फरवरी को यहाँ हम स्थापित हो गए झोंपड़ी डाल कर। अच्छा। पर 2002 फरवरी से और यहाँ ये आश्रम की व्यवस्था चलती रही है। करम भाई की आप बचपन से ही भक्ति में लीन थे या फिर मतलब किसी उम्र में किसी मतलब 20 के बाद या 25 के? संस्कार तो बचपन के ही थे। अच्छा। वैसे मेरे पास में स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी। अच्छा। विशेष करके लेकिन हमारे पिताजी कीर्तन वगैरह गाते थे वो। अच्छा। तो उनके साथ में गाते गाते और बोलते बोलते तो छोटी छोटी किताबें पढ़ते रहते हैं हम। मतलब घर से ये संस्कार मिले हैं कीर्तन करने के? ये कोमल सिंह कवि हुए थे बहुत अच्छे। अच्छा। उनकी छोटी छोटी सी पुस्तक थी। अच्छा। कीर्तनों की। अच्छा। तो उनसे धीरे धीरे हम और थोड़ा सा पढ़ना सीख गए। अच्छा। फिर धीरे धीरे रामायण वगैरह पढ़ने लगे। मैं जानना चाहता हूँ जैसे कि हम भी आप देखोगे भारत में अनेकों बाबाएं मिलते हैं, उनके वो अलग अलग चमत्कार करते हैं। कोई कहता है कि मैं आपकी मतलब बीमारी ठीक करता हूँ, कोई कहता है कि आपके घर में कलेश है मैं उसको ठीक कर सकता हूँ, कोई कहता है कि अगर आप राजनीति में तो मैं राजनीति में आपका सही तरीके से व्यवस्था कर सकता हूँ। तो आप किस तरीके का मतलब चमत्कार करते हैं? आप लोगों को यहाँ पर क्यों आना चाहिए? मेरा ये मुख्य सवाल है कि लोगों को यहाँ पर क्यों आना चाहिए, उनको क्या मिलता है यहाँ पर आकर? ऐसा क्या आपके पास है कि लोग यहाँ पर आते हैं और आप उनको देते हो? हम केवल सद्मार्ग बताते हैं। अच्छा। कोई चमत्कार नहीं करते। अच्छा। कोई जंत्र मंत्र टोना टोटका वगैरह भगवान इनमें मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा। और कोई नरक स्वर्ग हैं तो जीते जी के ही हैं। अच्छा। और जैसे समाज जो जाति समाज में बटा हुआ है, बहुत बड़ा विघटन है समाज के अंदर, ये सबसे बड़ी व्यवस्था है। तो इस दीवार को तोड़ने का मैंने भरकस प्रयास किया है और इस आश्रम पर भी सब वर्ग के लोग हैं, वाल्मीकि से लेकर के और ब्राह्मणों। नैतिक प्रवचनों पर आप बिलीव करते हो जी? लोगों को सही दिशा दिखाना आपका कार्य है। और हम सभी भाई भाई हैं, ऐसा कबीर साहब जी का भी सिद्धांत है। और आपने मतलब मैंने एक बाबा के बारे में सुना था, कानपुर में करौली सरकार के नाम से बाबा हैं। हाँ। तो वो कहते हैं कि मैं किसी भी तरीके की जो बीमारी होती है और किसी भी तरह का जो आपके घर में कलेश है वो उससे ठीक करते थे और वो उसके लिए फीस भी चार्ज करते हैं लगभग 1.21 लाख, मतलब 1.5 लाख के समथिंग, 1.5 लाख के समथिंग वो फीस चार्ज करते हैं। अब तो उन्होंने बढ़ा दिए, 2.5 लाख कर दिए इस तरीके की। मतलब आप ये तो मतलब ये मुख्य बाबा हैं, ऐसे अनेकों छोटे बड़े बाबाएँ हैं अलग अलग आप जगहों पे जब जाओगे आपको पता लगेगा। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, किस तरीके के विचार रखते हो? ये केवल ढोंग है और पाखंड है और लोगों को ठगने के सिवाय और कुछ नहीं। अच्छा। और क्यों कि जैसे हाँ संत का आशीर्वाद जरूर होता है। अच्छा। पर उसके पीछे ऐसा नहीं है कि संत को चैलेंज करके कहे कि हम ऐसा कर देंगे कि हम ओले पार देंगे। अच्छा। या तूफानों को रोक देंगे। हाँ। या किसी मरीज को हम ठीक कर देंगे तो जो हॉस्पिटल काहे को बने हैं और क्या है, तमाम लोग मर रहे हैं, तमाम पैसा खर्च हो रहे हैं और क्या। हाँ, कभी कोई एक आध गोली मरना हार, गोली पड़ना हार और हिंद मरना हार कहावत कहते नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, तुक्का लग जाता है। मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता। और जैसे समाज अपना नशा व्यसनों में फंसा हुआ है ज़्यादा विशेष करके, भाई दुख तो इंसान अपने आप इकट्ठा करता है। अच्छा। हमारी स्थिति में दुख नहीं है। अच्छा। हाँ, सुख ही सुख है। अच्छा। क्योंकि परमात्मा है वो सुख स्वरूप है और आत्मा है वो सुख स्वरूप है, तो दुख तो हमारे मन का है माना होगा। और दुख है केवल जो हमारे अंदर के जो विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अहंकार, छल, कपट, ईर्ष्या, ये दुख का कारण है। हाँ, जब तक आप इच्छाओं की कामना रखोगे तब तक आपको दुख मिलते रहेगा, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, दुख मिलते रहे। अब ये इच्छाओं की ये भोगों की लोलुपताई तो है। हाँ। इतनी भीड़ को इकट्ठा करना, भोगों की लालसा ही, और अपन 50-50 1000-1000 100-200 500 छोटी अच्छी अच्छी लड़कियों को वो बनाना, वो बिकाएँ बनाना, उनसे नाच कूद करवाना, जैसे राजा महाराजाओं के दरवाजे में पहले रंडियाँ नचती थी, बेड़ी नचती थी, बहुत इस तरीका से साधु समाजों रहा। के साधुओं के सामने और इस तरीका से लड़कियाँ डांस करती हैं, नाच रही हैं, बढ़िया श्रृंगार मेकअप आभूषण पहन पहन करके। तो ये केवल अपने अंदर की कामुकता और भावुकता को जगाने की सिवाय और कुछ, और ये भक्ति नहीं। और ये आपने देखा होगा कि एक बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है ये, मतलब कि पर्चा बना देते हैं। हाँ। बागेश्वर धाम आपने सुना होगा, सब उनके एजेंट हैं। अच्छा। अब तुम जाओ सीधे सीधे। हाँ। तो तुम्हारी वहाँ कोई सुनेगा भी नहीं, तुमको पहुँचने भी नहीं देंगे वहाँ। अच्छा।
हाँ जी, केवल उनकी कमेटी से मिलोगे जाकर के, फिर वो कमेटी वाले सब तुम्हें टटोल लेंगे इधर उधर से, और फिर जाकर के जब तुम्हारे वहाँ शिकायत पहुँचेगी फिर वो कुछ बता देते हैं। और कुछ बात ऐसी होती हैं हर एक मनुष्य के जीवन की, जैसे होती है, जैसे किसी से कहा जाए कि कोई हाथ देख रहा मेरे सामने, उसने कहा कि तुम तो बहुत अच्छे हो लेकिन तुम्हारी बातों को लोग बहुत कम मानते हो, ये तो कुछ मुख्य बात होती है 10-15 उनको रट लेते हैं, उनको रट लेते हैं, उन्हीं को द्वारा दोहराते रहते हैं हर एक लोगों के साथ में, और वो जानते हैं कि ऐसे ऐसा दुखी व्यक्ति आता है तो ये सब, मैं तो इसमें विश्वास नहीं करता, ये सब ढोंग है, पाखंड है, दिखावा है, केवल जनता को धोखा देना है। आपके आश्रम में किसी भी तरह का लोग आ सकता है? हाँ, कोई भी आ सकता है। और किसी तरीके का ड्रेस कोड है, मतलब विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर आना है या कुछ भी पहनकर आ सकते हैं? कुछ नहीं है, कोई कैसे भी पहन, कोई कैसे भी आ सकता है, धोती कुर्ता पहन करके आए, पैंट शर्ट पहन करके आए। और ये कीर्तन आप रोजाना करते हैं या सिर्फ संडे होते हैं? संडे को होता है और वार्षिक होता है, वो गुरु पूर्णिमासी का तीन दिन का थोड़ा सा और बड़े रूप में होता है। तो आप मतलब यहीं पे कीर्तन करते हैं या अलग अलग जगहों पर भी जाना पसंद करते हैं? मैं भी जाता हूँ, MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, और जाता हूँ दूर दूर तक जाता हूँ, 500-800 किलोमीटर तक जाता हूँ। और आप कौन सी जगह से आए हो आप? कासिमपुर गांव से। कितने समय से आप यहाँ पर आ रहे हो? मेरे को कम से कम जो अगली गुरुपूर्णिमा को एक साल हो जाएगी आपके। तो आपको अच्छा लगता है यहाँ पर आकर? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है यहीं पर। अच्छा, जो लोग नहीं आते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि उनको आना चाहिए, अपने जीवन के लिए कुछ अच्छी सीख लेके जानी चाहिए यहाँ से, जो हमारे गुरु जी हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी जीवन सुधार की बातें बताते हैं, उनको आना चाहिए और यहाँ से अपने जीवन चक्र को सुधारने की जो प्रोग्रेस है उनको लेके जानी चाहिए यहाँ से। तो आप अकेले आते हैं अपनी फैमिली के साथ? हम चार भाई हैं, चारों भाई आते हैं ना, हर संडे को आते हैं चारों भाई। मैं साइकिल से आता हूँ, मेरे भाई हैं तीनों, वो भी साइकिल से आते हैं।